स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शीतला माता के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। क्या आपको पता है, देवी का ही एक स्वरूप है शीतला माता। भारत में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर माता शीतला की पूजा की जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो शीतला माता को नहीं जानते। आज के इस वीडियो में हम माता शीतला के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर कैसे हुई माता शीतला की उत्पत्ति और कैसे बना गधा उनका सवारी, और माता शीतला को हमेशा क्यों ठंडे वस्तुएं चढ़ाई जाती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव के द्वारा माता शीतला की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मदेव ने जब माता शीतला की उत्पत्ति की, उस वक्त ब्रह्मदेव ने जन कल्याण हेतु माता शीतला को पृथ्वी लोक पर भेजा था। माता शीतला पृथ्वी लोक पर जाकर ये देखने के लिए उत्साहित थी आखिर पृथ्वी लोक पर उनका पूजा कौन कौन करता है। दोस्तों, ये सोचकर माता शीतला राजस्थान की डोंगरी गांव में पधारी और उस वक्त उन्होंने पूरा दिन गांव में घूमकर देखा, लेकिन एक भी स्थान ऐसा न था जहां माता शीतला की पूजा की जा रही हो। लेकिन माता शीतला गांव में घूमती रही, उसी वक्त किसी ने माता शीतला के ऊपर गर्म चावल का पानी डाल दिया और वो गर्म पानी से माता शीतला जल जाती है और वो मदद के लिए बुलाना शुरू करती है। लेकिन एक कुम्हारी के अलावा कोई भी माता शीतला के समीप नहीं आता। वो कुम्हारी माता शीतला को अपने घर ले जाती है और उनके सर पे ठंडा पानी डालती है। तत्पश्चात वो कुम्हारी माता शीतला को दही और राबड़ी खाने को देती है। रात का दही और राबड़ी माता शीतला को खाने को दिया, क्योंकि राजस्थान का जलवायु बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए वहाँ पर दही और राबड़ी खाने की प्रथा होती है। दही राबड़ी खाने के बाद माता शीतला को थोड़ा आराम महसूस होता है। उस वक्त कुम्हारी माता शीतला के हालत को देखकर उनसे उनके बालों को संवारने को कहती है और माता की आज्ञा से कुम्हारी माता के केसों को संवारना शुरू करती है। जैसे ही कुम्हारी माता के केसों को संवारती है, उस वक्त माता के सिर में एक छुपा हुआ आग को कुम्हारी देखती है और वो भयभीत होकर वहां से भागना चाहती है। उसी वक्त माता उसको रोकती है और अपना असली स्वरूप दिखाती है। ये देखकर कुम्हारी कहने लगती है, हे माता, मैं बहुत ही दरिद्र हूँ। मेरे घर में आपको बिठाने के लिए एक पर्याप्त स्थान भी नहीं है। उस वक्त माता कुम्हारी की बात सुनकर उसके घर पर बंधे गधे पर बैठ जाती है और एक झाड़ू हाथ में लेकर उसकी दरिद्रता को मिटाती है। उसी वक्त से माता शीतला की सवारी एक गधा बना और उनके हाथ में झाड़ू होता है, और इसीलिए माता शीतला को ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, माता शीतला बहुत ही ज्यादा कृपालु है। वो भक्तों की हर प्रकार की समस्याओं से उनको राहत प्रदान करती है। माता शीतला भी शक्ति का ही एक स्वरूप मानी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माँ शीतला। मिलते हैं अगले वीडियो में।